अजरबैजान की समर्थन में अमेरिका में कहां पर निकाली गई रैली। सूडान ने इसराइल के साथ शांति समझौते के लिए तैयार हो गया। अमेरिका में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। तुर्की में अमेरिकी नागरिकों पर आतंकी हमले का खतरा बढ़ गया है। दुनिया की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज टॉप 9 दुनिया में आप देखिए। अमेरिका की कैलिफोर्निया में अजरबैजान के समर्थन में मोटर रैली निकाली गई। मोटर रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। नागोर्नो काराबाख में कब्जे को लेकर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 28 दिन से जंग चल रही है, जिसमें करीब 66,000 लोग मारे गए हैं। अमेरिका के साथ समझौते के बाद सूडान इसराइल के साथ भी अपने संबंध सामान्य करने पर सहमत हो गया है। हाल ही में अमेरिका ने इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच राजनयिक संबंध सामान्य करने में अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले इसे ट्रंप की उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 77,000 नए केस सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले 29 जुलाई को 76,000 केस सामने आए थे। इनको मिलाकर अमेरिका में कोरोना का आंकड़ा 87,00,000 के पार पहुंच गया है। इनमें 2,29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के संयुक्त अरब अमीरात को हथियार बेचने के फैसले का विरोध नहीं करेगा इसराइल। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका यूएई को F-35 फाइटर जेट देने जा रहा है, जिससे हम सहमत हैं। इसराइल के पड़ोसी देशों को हथियार बेचने से पहले अमेरिका इसराइल की मंजूरी लेता है। इसराइल के साथ सूडान, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के राजनयिक संबंध बहाल होने के बाद ट्रंप ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अब जल्द ही सऊदी अरब और इसराइल के बीच शांति समझौता होगा। हमारे सऊदी अरब से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्द बहुत अच्छा होने वाला है। थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वे बैंकॉक में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी जुटे। प्रदर्शनकारी पीएम के इस्तीफे और राजशाही में सुधार की मांग कर रहे हैं। लीबिया में आपस में लड़ रहे गुटों ने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में शांति के लिए सीजफायर के समझौते पर हस्ताक्षर किया। लीबिया की सरकार और बागी लीबियन नेशनल आर्मी ने अगले 3 महीने के लिए सीजफायर पर सहमति जताई है। तुर्की में अमेरिकी दूतावास को अमेरिकी नागरिकों पर आतंकी हमले की रिपोर्ट मिली, जिसके बाद तुर्की में अमेरिकी दूतावास की सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अमेरिका ने रिपोर्ट मिलने के बाद अपने नागरिकों को तुर्की जाने से बचने की एडवाइजरी जारी की है। नाइजीरिया में पुलिस की क्रूरता के खिलाफ लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने कर्फ्यू लगाया। कई इलाकों में हालात सुधरने के बाद कर्फ्यू में छूट दी गई। आंदोलनकारियों का गुस्सा शांत करने के लिए सरकार ने पुलिस फायरिंग में 20 लोगों के मारे जाने की घटना के जांच के आदेश दिए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।